पॉजिटिविटी आ गई है। मतलब खुद पे ना बहुत प्राउड फील हो रहा है, मम्मा पापा को इतना प्राउड फील करा के भी अच्छा लग रहा है। और बिना क्लिप के मेरे टीथ कैसे लग रहे बता तो। आमच्या भोकरदन तालुक्यात रेलगाव या गावी जिल्हा परिषद शाळेचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे। आजूबाजूच्या 7 गावातील लोक तिथे येतात। बिंदास काव्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवता येईल असं विचारत होते। तो अभी मैं आपको है ना हिंदी में बताती हूँ। ये है ना गवर्नमेंट स्कूल का एनुअल फंक्शन है, तो वो पूछ रहे थे कि मुझे वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट बुला सकते हैं क्या। और आगे मैं पढ़ के सुनाती हूँ, आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आगे ही लिखते हैं कि है ना यहाँ से मेरे घर से ना भोकरदन जो गाँव है ना वो 3 घंटे का रास्ता है। तो ये लिखते हैं कि आपको है ना लाना ले जाना हम 4 व्हीलर में कर देंगे। तो ऐसा इसमें लिखा है कि मेरा लाना ले जाना वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो उनके खुद के खर्चे से करने वाले हैं और मुझे एडिशनली 5000 का मानधन भी देने वाला है, इसमें लिखा है। तो बिंदास काव्या ने ना कभी भी किसी भी फंक्शन में जाने का आने का 1 रुपया नहीं लिया और हम इस फंक्शन में हमारी गाड़ी से ही जाएंगे, किसी को हमें लाने ले जाने की तकलीफ नहीं होने देंगे। तो इसमें आगे लिखा है कि हमें पता है आपको ये परवड़ेगा नहीं, लेकिन हम सबकी इच्छा है आपको एज ए चीफ गेस्ट हमारे फंक्शन में बुलाने की। देखो बिंदास काव्या ने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया है और स्कूल के एनुअल फंक्शन के एज ए चीफ गेस्ट इन्विटेशन आना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और किसी स्कूल के एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के जाना ये अपने आप में ही बहुत प्राउड की बात है। इसको मैं मम्मी को सुनाती हूँ। हाँ। ये देखो, ये मैसेज पढ़ो, ये लो पढ़ो ये मैसेज, कितना खुशी का मैसेज है। रुक ना देखने दे। सापल्या आमच्या भोकरदन तालुक्यात रेलगाव, मराठी में है ये मैसेज, तो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है ना। वाह, तेको फिर से इनविटेशन आया, वो भी गवर्नमेंट स्कूल के एनुअल फंक्शन का। वाह, मैं तो बहुत खुश हो गई। और देखो ना इसमें लिखा है कि आपको लाने ले जाने के लिए हम 4 व्हीलर भी भेजते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत हाँ? नहीं, हम खुद चले जाएंगे। आज रात को 8 बजे फंक्शन है। हाँ, और ये जो भोकरदन गाँव है ना ये हमारे घर से 3 घंटे की दूरी पे है, तो हमको एटलीस्ट 3 घंटा पहले निकलना पड़ेगा ना मम्मी। हाँ, फिर तैयारी भी करनी बहुत सारी। मैं क्या पहनूं वो भी सोचना पड़ेगा। खुशी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। थैंक यू मम्मी, लाओ आशीर्वाद दो, इतना खुशी का दिन है, खुश रहे, इसी तरह की कर। चलो फिर हम तैयार होते हैं। नहीं काम करते हम, कल्याण मैम के पास चलते मेकअप के लिए। पापा कहाँ पे हो आप, क्या कर रहे हो? सुनो ना, आपको तो पता ही है कि मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गवर्नमेंट स्कूल। हाँ, तो जाएंगे ना। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आपको लाने ले जाने के लिए हम 4 व्हीलर भी भेजते हैं, लेकिन मैंने ना मना कर दिया। हम अपनी गाड़ी से चले जाएंगे ना, क्यों उनको तकलीफ होने देना। हाँ ना, तो हम अपनी गाड़ी से जाएंगे ना, उनको गाड़ी तकलीफ। हाँ, और वो मुझे एज ए लव ऑफ टोकन 5000 का मानधन भी देने वाले है, लेकिन मैंने वो भी मना कर दिया। अच्छा हाँ, हमको थोड़ी ना पैसे चाहिए रहते, कहीं जाने आने के लिए पैसे वैसे नहीं लेते हम। हाँ, तो मम्मी है ना हम सबकी एक जोड़ी कपड़े पैक कर रही है, क्योंकि है ना हमको यहाँ से 5 बजे निकलना है, वहाँ पे फंक्शन 8 बजे, तो हम 8 बजे तक पहुँच जाएंगे और फंक्शन 10-11 बजे तक चलेगा। तो अगर लेट हो गया, हमको लेट नाइट हो गई, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, इसलिए ये सब एक एक जोड़ी कपड़े मम्मी ले रही है। हमने ना सारी बैग पैक कर दी है, ब्रश वगैरह भी ले लिया है, और है ना हम अभी बैग वगैरह सब गाड़ी में रख देंगे, क्योंकि क्या है वापस घर पे क्यों आना है, मेकअप करके हम सीधा गांव की तरफ निकल लेंगे और हम पापा को भी फ़ोन करके बुला लेंगे। अभी तो हमें मामा छोड़ने के लिए चल रहा है। चलो फिर, चलो निकलते हैं अभी हम लोग। मम्मी जल्दी चलो। तो आज मैं क्या आउटफिट पहनने वाली हूँ ये तो मैं आपको मैम के पास जाने के बाद ही बताऊंगी। और आज मैं ना मम्मी का भी एकदम अच्छे से मेकअप कराने वाली हूँ। मम्मी नहीं बोलती है, लेकिन मैं कराऊंगी। क्यों मम्मी? हाँ ठीक है, एकदम अच्छे से रेडी होना पड़ेगा आपको भी। मम्मी सुनो ना, वहाँ पे ना 7 गाँव के लोग आने वाले हैं, मतलब बहुत सारी भीड़ होगी, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी कुछ नहीं, तो कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि मराठी में देनी है इस बार मुझे स्पीच। हिंदी में मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, लेकिन मराठी थोड़ा सा ये होता है ना मुझे भी। तो आ गए हम लोग मैम के पास। पता नहीं मैम कहाँ पे। मैम हाय मैम, कैसे हो? अच्छे से मेकअप करके देंगे मैम, आपको 1 घंटे में ही मेकअप करना है क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा फिर, और मम्मी का भी। हाँ तो देखो ये रहा मेरा कॉस्ट्यूम, ये देखो ये है ना ब्लू कलर की साड़ी है जो मैंने ना दिल्ली से ली थी। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि दिल्ली में मैंने ये साड़ी ली थी। और मम्मी वो दिखाओ, और ये जो ज्वेलरी है ना ये साड़ी पहनने के बाद साड़ी के ऊपर पहननी होती है। चलो ठीक है मैं ब्लाउज पहन के आ जाती हूँ। तो मम्मी का मेकअप जो है वो स्टार्ट हो गया, मम्मी ने एकदम साड़ी अच्छे से पहन लिया है। तो मैम अभी मेरा मेकअप करके देंगे, फिर उसके बाद में मैं अपनी साड़ी पहनूंगी। मैंने ना घर से लेंस भी लाए थे क्योंकि है ना मैंने मम्मी ने हम दोनों ने ना बहुत सारे लेंस भी ऑर्डर किए थे। कहाँ है मेरी पर्स? तो देखो ये मिल गए मुझे मेरे लेंस। ये कुछ है ना ब्राउन कलर के, एकदम नेचुरल शेड लगता है ये आँखों में लगाने के बाद। चलो लगाते हैं थोडस मध्ये मध्ये हळूहळू हळूहळू। ओके 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 ओके। तो मैम अभी मेरा है ना ऐसा मेकअप करके देने वाले जो है ना 4-5 घंटा टिके, है ना मैम? क्योंकि क्या है यहाँ जाने के लिए 3 घंटा लगेगा, फिर वहाँ पे भी टिकना चाहिए ना। हाँ। मम्मी प्राइम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पूरा हो गया, मैम ने बहुत अच्छा आई मेकअप करके दिया है। अभी बस बेस करना बाकी है। मम्मी का हो गया? मम्मी एकदम शांति से बैठ गई वहाँ पे। मैम कौन सा फैन है आपके पास? सोने का फैन है। मेरा है ना पूरा मेकअप हो गया, अभी मैं जल्दी से साड़ी पहन लेती हूँ, फिर उसके बाद में ज्वेलरी पहन के सीधे आपको मेरा फाइनल लुक दिखाती हूँ और मम्मी का भी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जल्दी से कमेंट में बताना। तो अभी हम लोग है ना जल्दी से निकलते हैं ना मम्मी। तो पापा भी आ गए हमें लेने के लिए, तो देखते हैं पापा को मेरा लुक और मम्मी का लुक कैसे लगता है। मम्मा इधर देखो, मुझे तो मेरी मम्मी हमेशा ही प्यारी लगती है, चाहे वो मेकअप करे या ना करे। पापा कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम हीरोइन के जैसे। वो मैं हूँ ना मूवी में नहीं क्या, वो ये रहती क्या बोलते हैं, सुष्मिता सेन ने के टीचर बन के आती। हाँ हाँ वैसे लग रही। तो वाव इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। तो मैं ना पहली बार ऐसे गांव के फंक्शन में जा रही हूँ, और वो भी है ना गवर्नमेंट स्कूल का फंक्शन है, तो मुझे भी ऐसे नर्वसनेस हो रही है। वहाँ पे बहुत सारे गांव वाले लोग होंगे, है ना पप्पा? हाँ फिर पूरे सब आड़ोस पड़ोस के गाँव वाले भी लोग होंगे वहाँ पे। हाँ क्योंकि एक गाँव में फंक्शन होता है तो सबको पता चल ही जाता है ना। और शाम का फंक्शन है तो सब गाँव वाले मस्त अपना काम वाम से फ्रेश बीच होके आके वहाँ पे रहेंगे। बाप रे, मतलब बहुत सारे लोग होंगे। पापा आपको लगता है ना मैं अच्छे से बोल लूंगी ना? अरे तू क्या उस दिन बोल लिया तूने, तो यहाँ पे भी बोल लेंगे। तो हम है ना यहाँ पे गांव में पहुँच चुके हैं, बस थोड़ी देर में ना जहाँ पे एनुअल फंक्शन है ना हम वहाँ पे पहुँचने वाले है। मेरे को तो अभी से बहुत डर लग रहा है। डरने क्या है उसमें? ऐसे गांव में फर्स्ट टाइम आई हूँ ना, और वहाँ पे बहुत सारे गांव वाले लोग होंगे इसीलिए। हाय जानवी, हाय कर। हाय। तो ये है जानवी, उसकी मम्मी और उसका भाई। तो जानवी भी मेरे साथ एज अ चीफ गेस्ट आ रही है। क्या बात है जानवी, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू दीदी। हैप्पी चॉकलेट डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कितना क्यूट रैप किया है देखो जानवी ने। वाओ मम्मी ये देखो। हाँ। तो यहाँ से स्कूल है ना थोड़ी पास में, तो हम है ना थोड़ा पहले ही रुक गए यहाँ पे फ्रेश होने के लिए और टचअप वगैरह करने के लिए। और ये देखो ना गांव का माहौल कितना मस्त है, मतलब सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और यहाँ पे एक छोटा सा घर है, दिख रहा है आपको? देख रही है गाँव का क्लाइमेट, दिख रही है पूरे तारे भी दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ ना, कितना अच्छा लग रहा है। हमारी सिटी में तो ऐसे कुछ देखने को मिलता ही नहीं है, तारे दिखते नहीं सिटी में से। हाँ। जानवी, तू भी कोई स्पीच वगैरह कुछ देने वाली है? हाँ। हाँ? आप भी देने वाले हो? हाँ, फिर मैं भी देने वाली हूँ। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। तेको? मेरे को भी बहुत डर लग रहा है। कितनी पब्लिक है समोर होता है, तरी सर्वांनी जोरदार ताला चालू ठेवायचा आहे। काव्याजीच्या विषयी सांगायचं म्हणजे काव्याजी ऑल द बेस्ट जानवी, डरना नहीं। मैं बोली तो मैंने देखा कि गांव वाले कुछ ऐसे ठाट में वेलकम करते हैं। सर जी वेलकम आपका। तो फिर मैं समझ गई कि आज मुझे यहाँ पे बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। और मेरे वेलकम में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय का नारा लगाया गया। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। सर्व नेता काव्याजींसाठी जोरदार टाळ्या। श्री यादवजी सुद्धा आलेले आहेत, त्यांच्यासाठीही जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे। तसेच त्यांच्या मातोश्री यांचंही आगमन झालेलं आहे, त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे। जोरदार टाळ्या। और ये जो एंकरिंग कर रहे हैं, ये एंकर नहीं बल्कि इस गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल है। तो मैंने जब स्टेज से सामने का क्राउड देखा तो जहाँ तक नज़र नहीं जा रही थी वहाँ तक लोग बैठे थे, और अभी मुझे ना बहुत डर लगने लगा था कि इतने सारे क्राउड के सामने मैं कैसे बात करूँगी। तो ये केसरी फेटा, जिसे हिंदी में पगड़ी बोलते हैं, इसको सिर पे शान से पहनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर मेरे पापा को भी पगड़ी बांधी गई, जो मेरे पापा के लिए हमेशा से एक प्राउड की बात रही है। और मुझे पता है आज पापा बहुत खुश होंगे। तो ये है हमारी रिस्पेक्टेड सावित्रीबाई फुले, फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया, जिन्होंने लड़कियों की पढ़ाई की शुरुआत की। फिर हमारे लिए ये मराठी वेलकम सॉन्ग गाया छोटी छोटी लड़कियों ने। निसर्ग वृत्तीने तैयार केलेला आमचा पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे। तो फिर मुझे गांव के सरपंच के हाथों से स्पेशल बुके दिया गया, जो कि स्कूल के बच्चों ने ही बनाया था नेचुरल तरीके से। मैंने कहा था ना आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी का भी स्वागत किया गया। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। यादवजी हे काव्याजींचे वडील आहेत, सुप्रसिद्ध उद्योजक आहेत। और जो मुझे हमेशा से पसंद है, भगवान राधा कृष्णा की मुझे फोटो फ्रेम भी दी गई। कार्यक्रमाचे विशेष आकर्षण काव्याजींना विनंती करतो की त्यांनी आपलं थोडक्यात मनोगत व्यक्त करावं। जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे। जोरदार टाळ्या। काव्याजी उभे राहिल्यानंतर डीजे वाले दादाला सुद्धा आनंद झाला, आणि मग आपल्याला किती आनंद झाला सर। जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे। थँक्यू मला बोलण्याची संधी दिलीबद्दल। तरी ते जितके पण माझ्या वयाचे आहेत त्यांना सगळ्यांना मी हाय करते, आणि जितके पण माझ्या वयापेक्षा मोठे आहेत त्यांना मी हात जोडून प्रणाम करते। तर तुम्हाला सगळ्यांना वाटत असेल ना कि मी एका मोठ्या इंग्लिश स्कूल मध्ये शिक्षण केलं असेल, पण असं काही नाहीये। मी पण तुमच्यासारख्या एका मराठी स्कूल मध्ये शिकलेली आहे, आणि आणि आजकाल सगळे असाच विचार करता की लाईफ मध्ये जर काही मोठं करायचं असेल इंग्लिश स्कूल मध्ये शिकायला पाहिजे, पण असं काही नाहीये। आपण मराठी स्कूल मध्ये शिकूनही जॉब जिंकू शकतो आणि हे मी थोडं फार करूनही दाखवलंय। पण माझं पूर्ण नाव काव्याश्री सूरज यादव आहे आणि माझा जन्म महाराष्ट्रामध्येच झाला। आणि मेरे सामने हजारों से लोग बैठे थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मला खूप भीती वाटते, सो सॉरी सॉरी सॉरी। तर मी एवढं सांगेल की तुम्ही सगळे मला इन्स्पिरेशन मागता छोटे छोटे मुलं, तर मी त्यांना एकच म्हणते की आहे ना, तुम्हाला जर माझ्याकडनं एक मोठी इन्स्पिरेशन घ्यायची असेल की या दुनियेत आपले आई बाबा हेच आपले मित्र आहे, की या दुनियेत आपले आई बाबा हेच आपले खरे मित्र आहे। तुमच्या लाईफमध्ये बाकी सगळे येत जात राहणार पण तुमचे आई बाबा आखरी दमपर्यंत तुमचा साथ देणार। आणि हां, मला यूट्यूबवरनं 2 गोल्डन प्ले बटन आणि 3 सिल्वर प्ले बटन भेटले, पण आज मला इथे ॲज अ चीफ गेस्ट बोलून मला खूप छान वाटलं आणि हे माझ्यासाठी खूप मोठा अवॉर्ड आहे। थँक्यू मला इथे बोलवण्यासाठी, थँक्यू। मी माझे 2 शब्द संपवते। जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। धन्यवाद काव्याजी, धन्यवाद काव्याजी। खूप मोलाचं असं मार्गदर्शन तुमच्यासाठी आणि तुमच्या लेकींसाठी लेकरांसाठी काव्या दीदीने केलेलं आहे। इतना सारा क्राउड देख के मैं बहुत डर गई थी और जितना मुझे बोलना था उतना मैं बोल नहीं पाई। मुझे बहुत रोना आया, बट कोई ना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत कुछ करना है आगे लाइफ में। मित्र होणार आपण, आई बाबा तिचे मित्र होणार आणि मित्र होत तिला वागून, त्या मुलाला वागून, मुलीला वागून त्यांना यशापर्यंत नेणार याची मला काव्याची पूर्ण खात्री आहे। म्हणून मी एकदा सर्वांना सांगतो की जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे। खरं सांगायचं म्हणजे ज्यावेळेस मी काव्याजींना निमंत्रित करण्याचा आग्रह धरला त्यावेळेस गिरी सरांनी सांगितलं, सर त्या येतील तुमच्याकडे नक्कीच, तुम्ही काही काळजी करू नका। आणि मी बोललो सरांना तर सरांनी त्यांना आणलं। परत मला एक थोडंसं असं वाटलं की प्रत्येक हा स्टार हा पैसे मागत असतो, पैसे घेऊन येत असतो। मग मी विचार केला, सर काव्याजींना किती पैसे द्यावे लागतील हो? मला उत्तर काय आलं माहिती का, सर तुम्ही पैसे देत असाल तर ते यायला तयार नाहीये। उत्तर काय आलं, पैसे देत असतील तर ते यायला तयार नाहीयेत, ते येत आहेत फक्त तुमच्या चिमुकल्यांसाठी, तुमच्या आग्रह खातर। म्हणून काव्याजीसाठी पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे। तो मेरे मम्मी को पूरे गांव की तरफ से एंड स्कूल की तरफ से एक बेस्ट गिफ्ट दिया गया। एक आई आपल्या मुलीसाठी काय करू शकते, मुलीला काय देऊ शकते, एक वडील कितपर्यंत साथ देऊ शकतात ते बघायचंय आणि ते बघायचं यादवजींकडून। बघा आजही यादवजी त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे मित्र, बॉडीगार्ड आणि सहकारी म्हणून उभे आहेत, त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे। और आपको पता है इस फंक्शन की खास बात मुझे क्या लगी कि जितने भी गांव वाले ये फंक्शन देखने आए थे वो हर परफॉर्मेंस के बाद थोड़े थोड़े पैसे डोनेट करते थे स्कूल की तरफ, जिससे फंक्शन में होने वाला थोड़ा बहुत खर्चा कम हो सके। है ना ये बहुत बेस्ट बात। रेलगाव यांच्यातर्फे संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 1000 रुपये, 100 रुपये तसेच संदीप प्रकाश सुरणकर यांच्यातर्फे। तो मेरे साथ जो जानवी गई थी उसने एक अलग ही सॉन्ग परफॉर्म किया था जिसका नाम था रे आदमी घर में शौचालय बांध। आप सब भी सुनो। संडास बांध 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 बांध, संडास बांध 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 बांध, संडास बांध 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 बांध। नवीन वर्षाचं एकच मागणं, नवीन वर्षाचं एकच मागणं, आणि बंद करा उघड्यावर हागणं, बंद करा उघड्यावर हागणं, आणि रस्त्यावर हागू नको ग माय, आणि रस्त्यावर हागू नको ग माय, संडास बांधल्यावर भरणार नाही बाय। और आपको पता है ये जो सर एंकरिंग कर रहे हैं ये कोई एंकर नहीं है बल्कि गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अब आप सोचो, जिस स्कूल के प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स को इतना सपोर्ट करते हैं वो बच्चे कितना आगे जा सकते हैं। दीदी हम वही है जो आपके साथ एक दिन खड़े रहे थे और आज फिर चाहते हैं कि आप फिर से आ जाओ। तो सर ने मेरे लिए एक बात कही, काव्या एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी और तब हमें भूल मत जाना। एंड स्टार बनने के बाद भी हमारे बुलावे पे फिर से एक बार वापस हमारे फंक्शन में आना। वो तो है कि स्टार में एक ना एक दिन जरूर बनूंगी, बट ये बिंदास काव्या है जो अपने लोगों को कभी नहीं भूलेगी। गांव के सभी लोगों ने हमें बहुत रिस्पेक्ट दी और वो हमारे साथ ही रहे हमारे वहां से जाने तक। थैंक यू भैया, बाय बाय बाय। खूप छान वाटलं तुमच्या गावात येऊन। थैंक यू, खूप छान, बाय। असली प्राउड है ना, ये रहता, ये प्राइड है, प्राउड भी है और प्राइड भी है। ये है असली प्राइड, फेटा, महाराष्ट्र की शान। और तेरी वजह से हमको ऐसा फेटा बांधा गया, ये हमारे लिए बहुत प्राउड और प्राइड की बात है। हमारा कैसे रहता कि महीने के ना 1-2 तारीख को इतने हमारा कलेक्शन हो जाता कि 1-1.25 लाख तक हमारा कलेक्शन 2 दिन में हो जाता। हाँ, लेकिन ये प्राइड नहीं आ सकता उसमें। पैसा तो बहुत दुनिया भर का कमा लेंगे, लेकिन है ना, ये जो प्राइड हमको आ रहा है, ये जो प्राउडनेस हमको आ रहा, वो तेरे वजह से आ रहा। पैसे से वो खरीदा नहीं जा सकता, समझे। ये मान सम्मान हमको मिला ना, वो तेरे वजह से मिला है। देखिए केसरिया दिख रहा क्या, नहीं केसरिया, हाँ, ये तेरे वजह से मिला हमको। तो आप दोनों ने भी कितना ज्यादा सपोर्ट किया है। अरे वो जो भी हो, लेकिन ये जो ये है ना, ये भेटा पगड़ी, ये पगड़ी है ना, ऐसे ही नहीं सर पे सस्ती, ऐसे ही नहीं ये ठाट है पगड़ी का, ऐसे ही नहीं है। ये मान सम्मान है, ये मान सम्मान तूने लाके दिया हमको। गांव के लोग कितने प्यारे होते हैं यार, देखो ना, वो हमें यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए आए। थैंक यू सो मच सबको, हमें बहुत अच्छा लगा गाँव आके, रेलगांव आके हमें बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा प्यारे है। तो कैसा लगा आपको ये रेलगांव विलेज की गवर्नमेंट स्कूल का एनुअल फंक्शन? कहा था ना, कुछ नया देखने को और सीखने को मिलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।